नमस्कार जी, अस्सलाम वालेकुम, जय महाकाल। मैं संगीतकार दिलीप सेन और ये मेरी एक ही बीवी। तो मैं बहुत खुश हूँ आज कि आज काफ़ी सालों बाद, यानी काफ़ी अरसे बाद मेरी एक फिल्म रिलीज़ हो रही है जिसका नाम है द यूपी फाइल। द यूपी फाइल के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मैंने आज तक जितनी भी फिल्मों में हम लोगों ने संगीत दिया, यानी दिलीप सेन, समीर सेन ने, द यूपी फाइल एक रियल कहानी है और इस कहानी के अंदर जो किरदार निभाया है बहुत ही स्ट्रॉन्ग किरदार है, यूपी से किरदार है, वो आप फिल्म देखेंगे खुद ही पता चलेगा। तो इसका म्यूज़िक बनाने में थोड़ा टफ था, मतलब आम फिल्मों को म्यूज़िक बनाने के बजाय, क्योंकि इसमें आप हीरो हीरोइन की तरह छेड़छाड़ वाला गाना नहीं कर सकते या इसमें आप कोई रोमांटिक टाइप का गाना नहीं डाल सकते, क्योंकि कहानी के हिसाब से आपको चलना था। तो हमने पूरी कोशिश की और इसके लिए मैं हमारे डायरेक्टर साहब को बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरे साथ मिलकर और इसकी सिचुएशन इस तरीके की बनाई कि जिसमें हमको म्यूज़िक बनाने में आसानी हो गई। और ख़ास करके इसका जो थीम सॉन्ग है सीएम जो टाइटल सॉन्ग हम लोगों ने किया है, बहुत ही कमाल का बना है। और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म तो चलेगी इसके साथ इसका म्यूज़िक भी चलेगा। और जो ये वीडियो देख रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप सब इस फिल्म को देखें, म्यूज़िक सुने, हमको प्यार दें और आशीर्वाद दें। थैंक यू जी। अरे थैंक यू। बस देखिए, मूवी मेरी बड़ी कमाल की है, बहुत गर्म है, पॉलिटिकल इशू बनाई है, बहुत मैसेज है इस फिल्म में। और एक बिगड़े हुए प्रदेश में एक मुख्यमंत्री अगर सही होगा तो प्रदेश को एकदम रामराज बना देगा। और सारे स्टेट वालों को मैं तो चाहता हूँ, सारे चीफ मिनिस्टर, MP, MLA, MLC को मेरी फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। बहुत कुछ मैसेज मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इस चीज़ को अपने अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट करेंगे तो मेरे ख्याल से अपना देश बहुत आगे जाएगा, अपना प्रदेश बहुत आगे जाएगा। मनोज जोशी जी, एक्चुअली मैं इंस्पायर हूँ, एक्चुअली मैं कैरेक्टर आपको तो मालूम है यूपी फाइल्स है, तो उससे इंस्पायर हो कि मेरा वो हीरो, और मैंने इनकी चाणक्य देखी थी मनोज जी की, तो उसमें इन्होंने जो कैरेक्टर चाणक्य का किया था एकदम मेरे कैरेक्टर से मिलता था। बस मैंने एक ही नज़र में उनको फाइनल कर दिया, बहुत कमाल का उन्होंने रोल किया और एकदम जीवंत कर दिया उस कैरेक्टर को, एकदम मिला दिया उन्होंने। इसकी शूटिंग देखिए लखनऊ में हुई है, राजस्थान में हुई है और मुंबई में भी हुई है और जम्मू में हुई है, इन सारे जगहों पर हुई है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप लोग जरूर देखिए ये फिल्म। सबसे पहले तो आप सबको मेरा नमस्कार, सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यूपी फाइल्स एक बहुत ही रियलिस्टिक किस्म की फिल्म है, यूपी में के ऊपर है जैसा कि नाम दर्शाता है, और यूपी में कैसे क्राइम था और उसके बाद में कैसे मुख्यमंत्री जी ने आके सारे लोग सिस्टम को चेंज किया और आज उत्तर प्रदेश को एक सेफ स्टेट कहा जाता है, उसके ऊपर पिक्चर है। और उनके जो स्ट्रगल्स, क्योंकि कोई भी नई चीज़ निकालने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, तो उन्होंने किस तरह की स्ट्रगल्स की उसके ऊपर पिक्चर है। नीरज साहे ने बहुत अच्छा डायरेक्शन किया है, राइटिंग बहुत अच्छी है और उम्मीद करते हैं कि पिक्चर को दर्शकों का प्यार मिलेगा। मैं इसमें एक DIG का रोल कर रहा हूँ जो बहुत पावरफुल है, नेगेटिव कैरेक्टर है, लेकिन वो किस तरह मुख्यमंत्री जी को, जब वो पोजीशन में नहीं होते तो उनको उनको इंसल्ट वगैरह करता है और उनका साथ नहीं देता है, लेकिन फिर बाद में पॉजिटिव हो जाता है। सर, रियल लाइफ के अंदर बात करते हैं, 10 साल के अंदर कितना बदलाव दिखा है? काफ़ी बदलाव है, सभी को पता है कि कितना बदलाव है। पहले अब तो उत्तर प्रदेश बहुत सेफ हो गया, पहले क्राइम बहुत ज़्यादा था और अब तो उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा स्टेट हो गया है। तो सबसे बड़ा बेल्ट है हिंदुस्तान का, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा लैंडस्केप है, उस हिसाब से, उस लिहाज से देखा जाए तो आज उत्तर प्रदेश जो है वो बहुत चेंज हो चुका है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। मैं संगीतकार दिलीप सेन और आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस फिल्म के अंदर जो ड्यूएट गाना है अरिजीत जी ने और रेखा राव जी ने गाया है, बिटिया हमारी पहली मरतबा फिल्म में गाया है और बहुत ही प्यारा गीत गाया है, तो अभी आप बताइए कैसे आपको लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, गुरुजी की कृपा से मैंने इस मूवी में गाना गाया। गुरुजी कंपोजिशन बहुत अच्छा है और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ जो मैंने इनके साथ गाना काम किया।
नमस्कार, मैं हूँ रेखा राव और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे बॉलीवुड के विख्यात संगीतकार दिलीप सेन जी की, जिन्होंने मुझे इस फिल्म के अंदर दो गीत गाने का मौका दिया। और नीरज जी साहब बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, रिकॉर्डिंग पे हमने काफ़ी मस्ती की और दोनों जो गीत है, दूसरा जो गीत है मैंने अर्पित के साथ में गाया है वो भी बड़ा खूबसूरत आपको गीत सुनने को मिलेगा, दुपट्टा वाला जो सॉन्ग है, और पहला जो गाना है मेरा है कच्ची कली, तो दोनों गाने आपको सुन करके बहुत मज़ा आएगा और हम देखेंगे अभी सब मिल करके इंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच आप सब आज यहाँ हमारे साथ हमारी मूवी देखने आए हैं द यूपी फाइल्स। दिस हैज़ बीन डायरेक्टेड बाय नीरज सहाय जी। फिल्म की कास्ट बहुत ही अच्छी है, द स्टोरी इज़ वेरी नाइस। आई हैव प्लेड अ मुस्लिम कैरेक्टर इन दिस, जो तीन तलाक मुस्लिम महिलाएं जिससे पीड़ित थी उसको दूर करने के लिए जो महिला का कैरेक्टर अदा किया वो मैंने किया है। एंड आई एम आकांक्षा, आई एम अ सिंगर एज वेल एज एन एक्टर, एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी अबाउट द स्ट्रगल ऑफ यूपी गवर्नमेंट एंड आदित्यनाथ जी के, योगी आदित्यनाथ जी के बारे में। एंड आई एम प्रिटी श्योर जितनी खूबसूरती से इसे बनाया गया है और आप सब देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। एंड आई जस्ट विश ऑल द लक फॉर द सक्सेस ऑफ दिस मूवी। थैंक यू सो मच। एक्साइटमेंट तो काफ़ी है, पहली फिल्म है तो काफ़ी एक्साइटमेंट है। मैंने भी पूरी मूवी देखी नहीं, अभी देखूँगा। ये तो अभी मैं पिक्चर देख लो, आप पिक्चर अभी आप देख लीजिए और आप मैसेज मालूम पड़ जाएगा। वो तो नीरज जी ज़्यादा बता पाएंगे आपको, वो सवाल नीरज जी आपको ज़्यादा बता पाएंगे। बस पिक्चर देखिएगा और कैसी लगी बताइएगा। कहाँ कहाँ रिलीज़ हो रही है? हाँ, ये पिक्चर ऑल ओवर इंडिया रिलीज़ हो रही है, यूपी, एमपी, राजस्थान, दिल्ली, मुंबई और साउथ में भी है, ऑल ओवर इंडिया में रिलीज़ हो रही है। इसको करीबन अभी 450 स्क्रीन मिले हैं, बाकी कल मालूम पड़ेगा। जो लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था हुई है और जो कंट्रोल हुआ है लॉ एंड ऑर्डर का, उस बारे में ये फिल्म दर्शाती है। योगी जी का रोल नहीं है, नहीं, एक प्रदेश पे पिक्चर है। हाँ, थैंक यू वेरी मच। सर, आज फिल्म रिलीज हो गई है पूरे हिंदुस्तान में और रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है सुबह जो देखा गया, तो क्या कहना चाहेंगे? आपके किरदार को बहुत पसंद किया जा रहा है। वाकई मैंने अभी फिल्म नहीं देखी इसलिए बोल रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे किरदार को पसंद किया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और जैसे बताया आप लोगों ने कि पब्लिक आ रही है और फिल्म देख रही है, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि नीरज जी ने बहुत ही मेहनत से फिल्म बनाई है और जैसा उनका मानना है कि ये फिल्म हमारे मतलब मुल्क में ये बहुत अच्छा एक मैसेज है जो यूपी के ज़रिए दिखाया गया है कि यूपी में कुछ अच्छा काम हो रहा है जो उस हिसाब से, और लोगों को फिल्म पसंद आ रही है, ये बहुत अच्छी बात है जी। और सर, आपके लिए बहुत बहुत मुबारक की मंथ है, ये मुबारक मंथ है क्योंकि एक महीने में तीसरी फिल्म आ रही है, पहले कल की आई, उसके बाद मिर्ज़ापुर लाला साहब आए जिन्होंने बर्फी कहा है बर्फी ले आओ, बर्फी आ रही है, यूपी फाइल या किसकी फाइल गायब होने वाली है वो तो बताया, वो अंदर पता लगेगा। जी जी, वाकई ये आपने जिक्र किया मिर्ज़ापुर का और लाला की बर्फी का, वही वो तो आपको पता ही है, फिर बर्फी ने तो कमाल कर ही दिया है। और उसके बाद कल्की, जी हाँ भाई, दो तो यही ब्लॉकबस्टर हो गई हैं। कल्की जो सुपर डुपर हिट फिल्म है, मतलब नॉट ओनली इंडिया, पूरे वर्ल्ड में जो उसने अपना एक वर्चस्व छोड़ा है, और हॉलीवुड वालों को जो उन्होंने एक मतलब ये हमारा एक कारनामा करके दिखाया है, ये हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ी बात है और मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं उस फिल्म का एक हिस्सा हूँ। अमिताभ बच्चन साहब, प्रभास जी और कमला हसन साहब, दीपिका पादुकोण जी, इन सब के साथ काम करने का मुझे मौका मिला, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मिर्ज़ापुर के लाला को तो फिर आप लोग मिस कर ही नहीं सकते। आप लोगों ने फिल्म देखी? आप सबसे पूछ रहा हूँ मैं, मीडिया से देखी? बढ़िया। और जिसने नहीं देखी, हाँ, उस तुमने नहीं देखी ना? अभी देख ली? देखूंगा।
देखोगे, और अगर नहीं देखी ना तो मैं अपना डायलॉग बोल दूंगा, तो बड़े हरामी हो बेटा। जी बिल्कुल बिल्कुल, बाकायदा बढ़ जाती है, क्योंकि हर फील्ड में कहीं भी देख लो आप, किसी भी फील्ड में, हमारी फील्ड में नहीं, आप जब एक किसी एक मुकाम पे पहुंचते हैं तो हर तरह से देखो आप, उस मुकाम से आपको ऊपर जाना होता है। तो मेरे सामने ये अभी चैलेंज भी है, और जैसे मैं अपने किरदार करता हूँ बिल्कुल नॉर्मली, तो वो नॉर्मली करने में ही आप लोगों को पसंद आते हैं, अच्छे लगता है। जैसे मिर्ज़ापुर में आपने देखा, उसमें कोई ज़ोर आजमाइश मैंने नहीं की लेकिन हाँ उसमें काम बहुत किया है, और कल्की में बानी का जो कैरेक्टर किया है वो बहुत बढ़िया है, और इसमें अपना यूपी फाइल में जो है वो इनका अब्दुल्ला जी का जो कैरेक्टर है, अब्दुल्ला है मेरे नाम कैरेक्टर का नाम, तो उसमें भी मैंने अपनी तरफ से 100% तक जाने की कोशिश की है। अब ये ऑडियंस बताएगी कि मैं कहाँ तक उसमें सही उतरा हूँ, और मेरी तरफ से बहुत कोशिश रही है। सर आपके ये जो लुक है जी, ऊपर काले नीचे वाइट, ये क्या है? हर फिल्म में बहुत कमाल लुक आता है ऑन स्क्रीन। ये मैं इसका आपको सच बता दूं कि इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ये नेचुरल है सर। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद मैंने ये ब्लैक किए हुए हैं या ऐसा, कुछ नहीं है। मैं जो अच्छा। कुछ भी मैं रखता हूँ, मेरा एक्चुअली मेरी नेचर भी ऐसी है कि मैंने नेचुरल जो चीज़ें हैं उनमें ज़्यादा बिलीव करता हूँ, और कभी भी मैं किसी भी तरह से ज़्यादा अपने आप को कोई इस पर काम नहीं करता, ये टोटल नेचुरल है। और इवन यहाँ तक कि जो मेरी बेड है दाढ़ी, मैं बार्बर के पास गए हुए मुझे 3-4 साल हो गए, ज़्यादा ही हो गए होंगे, मैं नहीं जाता, ये भी मैं खुद काटता हूँ, और ये भी मैं खुद काटता हूँ। देखो उबड़ खाबड़ है, देखो आप ये इस चीज का। यस, क्या बात है, क्या बात है। क्लीन शेव मैंने, जैसे मेरा ये किरदार है अपना, सारे काफ़ी सारे जो मैंने किरदार किए हैं, जैसे लाला है मिर्ज़ापुर का, अवरोध में मैं टेररिस्ट बना हूँ, और बहुत सारे जो रोल है मेरे वो दाढ़ी में ही है। तो मुझे दोस्त और जो काफ़ी डायरेक्टर प्रोड्यूसर आप सब बात होती थी कि यार ये आप टाइप कास्ट हो जाओगे, और इसलिए आप इसको ज़रा थोड़ा सा चेंज लो, ब्रेक ले लो, ये कर लो, वो कर लो, तो मैं सुनता था उनकी बात, तो मैं अपने आप से बात करता था, अपनी वाइफ से बात करता था। तो मैंने कहा यार काम मिल रहा है, आ रहा है, और जो कुछ दोस्त ऐसे थे अच्छे दोस्त, तो वो ये भी थे कि कहते थे कि नहीं चलने दो यार, थोड़ा सा ज़रा एक बार शांत करा देंगे, ज़रा थोड़ा सा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो गया। तो वो जो है, मैं मतलब जब बात करते थे दोस्त और कैरेक्टर मेरे, मतलब जो दोस्त और डायरेक्टर वगैरह जो भी, तो मैं अपने आप से बात किया करता था, मैं ये कहता था, मैंने कहा यार जब मुझे कोई अच्छा कैरेक्टर मिलेगा ना, बहुत बेहतरीन, तो मैं साफ कर दूँगा दाढ़ी, क्या मैं तो बाल भी कटा दूँगा भाई, काम करना। और वो मेरी जो विश थी, मेरी जो दुआ थी, वो खुदा ने कबूल की, और मिला तो क्या मिला दाढ़ी काटने के बाद, आप देखिए कल्की जैसी फिल्म मुझे मिली। अमिताभ बच्चन साहब, मतलब मैंने नाम लिए हैं, प्रभास जी और कमला हसन जी, दीपिका जी, उनके साथ खड़ा कर दिया मुझे ले जाके नाग अश्विन जी ने, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, उनको बहुत ज़्यादा, पूरी टीम को। नाग अश्विन ने मुझ पर भरोसा किया बहुत बड़ा, तो मेरे लिए बहुत बहुत बड़े फख्र की बात है, और बहुत मतलब मैं इस चीज़ से खुश हूँ। और रोल भी मेरा जो है उसमें मतलब ज़बरदस्त है, पूरी फिल्म को के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, अमिताभ बच्चन जी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, और अपना दीपिका जी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जो भगवान आने वाले हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, अश्वत्थामा नाम है बने हैं अपना अमित जी, तो उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि वो अश्वत्थामा अच्छा उनकी बात हो रही है, तो सारे कैरेक्टर्स को और पूरी फिल्म को मैं लेके आगे चल रहा हूँ, बता रहा हूँ फिल्म के बारे में। तो ये इतना बेहतरीन कैरेक्टर से मतलब मिला, तो वो दाढ़ी काटने का रीज़न ये था जी। आप लोगों ने फिल्म देखी द यूपी फाइल्स, क्या कहें, कैसी लग रही है? मूवी बहुत अच्छा था, हम लोग सब आए थे देखने मूवी, मूवी का स्टोरी पूरा अलग है, डेफिनेटली अ मस्ट वॉच मूवी है, सबको देखनी चाहिए एक बार,
में काफ़ी अच्छा बताया गया है और एक्टर्स ने काफ़ी सुपर एक्टिंग की है। डेफिनेटली अ मस्ट वॉच मूवी। पाँच में से कितने स्टार देंगे आप? डेफिनेटली 4.5। या 4.5। ओके ओके, थैंक यू सर। आप क्या बोलना चाहेंगे? एक्चुअली बचपन से तो हम लोग को पॉलिटिक्स में कभी इतना इंटरेस्ट रहा नहीं, लेकिन ये मूवी देखने के बाद ऐसा लगा कि हाँ, पॉलिटिक्स भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत रूट लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी स्टेट या कोई भी कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं यूथ को बोलना चाहूँगा कि ये मूवी देखनी चाहिए। थैंक यू। आपने फिल्म देखी, फिल्म कैसा लगा, किसका काम पसंद आया? देखिए, फिल्म तो बहुत अच्छी बनी और मनोज जोशी जी का काम बहुत अच्छा लगा। जॉर्ज साहब जी का स्पेशल कमाल, वो अपने दोस्त भी हैं और कमाल का काम किया, मतलब इम्प्रेसिव। मैं तो अगर रेटिंग देनी हो पाँच में तो आप कितने स्टार देंगे? 5 out of 4। फोर या ठीक है, ओके। आपने फिल्म देखी है, फिल्म कैसी लग रही है, किसका काम पसंद आया, पाँच में से क्या रेटिंग देंगे आप लोग? 5 में से 5 रेटिंग देंगे भाई साहब, बहुत कमाल की फिल्म है। फिल्म सुपर सुपर, ऑल इंडिया हिट, 100% हिट। किसका काम बहुत पसंद आया आपको? सभी लोगों का काम पसंद है एक्चुअली। किसी का अगर एक का नाम हो मनोज जोशी का काफी काम बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा डायलॉग्स वगैरह बोले हैं, गुड। आई लाइक द डायलॉग जो आपको बड़ा हिट कर रहा हो दिमाग में? मैं बोलता हूं यस, फिल्म का डायलॉग जो है ना, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की कदर, न एक इंच इधर न एक इंच उधर, ये बहुत ही हाईलाइट डायलॉग्स है। और आज के दौर में, या मैं फिल्म इतिहास की बात करता हूँ, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जो सम्मान इस फिल्म में दिया गया है, आज तक किसी फिल्म में नहीं दिया गया है। ये मेरा खुद का मानना है। या धन्यवाद। फिल्म बहुत अच्छी बनी है और उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, उनके जीवनी पे बनी है। वहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वहाँ का जो क्राइम रेट है, उस पर दर्शाया गया फिल्म है, जो वहाँ के एंटी सोशल एलिमेंट्स पे जो पुलिस भाष्य करती है उस पर बेस्ड है। उसमें मनोज जोशी का काम बहुत अच्छा है और गौतमी का भी काम अच्छा है। इस फिल्म में यही मैसेज है कि अभी राजकीय स्तर पे एक नया यूपी आदित्य योगीनाथ जैसे लोग आने चाहिए और सिस्टम के खिलाफ लड़के सिस्टम को साफ करना चाहिए। फिल्म तो बहुत अच्छी है, अभी तक की जितनी देखी है उतनी बहुत ही बढ़िया फिल्म है और योगी आदित्यनाथ के ऊपर फिल्म है और उनके जो गुरु थे अवैधनाथ जो थे, वो अवैधनाथ बहुत ही हिंदुमा सभा के वो बहुत बड़े कार्यकर्ता थे और उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा दी थी और इसी वजह से योगी आदित्यनाथ ने ये किया। और संदेश यही है कि इसी टाइप के मुख्यमंत्री हर प्रदेश में हो, जहाँ कानून व्यवस्था सही तरीके से चले, और कानून व्यवस्था अगर सही तरीके से चलेगी तो शायद अपने यहाँ गुंडागर्दी और सब सारी चीज़ें ख़त्म होगी। ऐसी फिल्में बननी चाहिए जो लोगों को प्रोत्साहित करें और लोग इसे देखकर अनुशासन को हर तरीके से पालन करें। थैंक यू। जी, आपके अपने किरदार के बारे में बताइए, आज फिल्म रिलीज हो गई तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, फिल्म रिलीज हो गई है, बहुत अच्छी फिल्म बनी है। मेरे कैरेक्टर का नाम है खुर्शीद और बहुत अच्छा इसमें मेरा कैरेक्टर है। प्लीज़ आप सब भी देखिएगा जी। थैंक यू। ट्रैवल एजेंट आपकी फिल्म अब शुरू होने वाली है और ये फिल्म रिलीज हो गई है, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है पब्लिक का, और ट्रैवल एजेंट कब तक फ्लोर पर जा रही है? ट्रैवल एजेंट मेरी फिल्म अगले महीने फ्लोर पर जाएगी अगस्त में और वो भी बहुत अच्छी फिल्म बनने वाली है। थैंक यू। थैंक यू सर। फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं अनिल आदिच हूँ। वैसे मैं उदयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ, उस फिल्म में मैंने भी काम किया है, जिसमें मैंने एक पार्टी हाईकमान का करेक्टर किया। मुझे लगता है कि ये फिल्म बहुत ही शानदार फिल्म है और हर भारतीय को फिल्म देखनी चाहिए और इसमें बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको फिल्माया है और इसके अंदर बहुत, जिसे कहना चाहिए कि इतना अच्छे पॉइंट्स हैं इसके अंदर कि जो भी है इसको देखेगा तो उसको यूपी के बारे में पता चलेगा कि वहाँ पहले क्या था और अब क्या है और वास्तव में क्या होना चाहिए था। थैंक यू। थैंक यू। देख रहे हैं यूपी फाइल्स, बहुत नेचुरल
बहुत इफेक्टिव, अभी इंटरवल हुआ है, बहुत ग्रिपिंग है। आई थिंक डायरेक्टर ने अच्छा काम किया है, मनोज जोशी जी को पूरा क्रेडिट जाता है, इन्होंने ब्रिलियंट काम किया है, बिल्कुल सीएम साहब लगे हैं वो। मंजरी फडनवीस इज़ वेरी गुड, द फिल्म इज ग्रिपिंग, कैमरा वर्क अच्छा है, अभी तक तो मज़ा आ रहा है इंटरवल अभी, तक अभी तक सॉलिड तो है, अभी तक तो फिल्म बहुत अच्छी जा रही है, परफॉर्मेंसेज अच्छी अच्छे, सारे कास्ट अच्छे से सिलेक्ट किए गए, तो मेरे हिसाब से सबको एक बार देखनी तो जरूर चाहिए यूपी फाइल्स। प्रोडक्शन वैल्यूज आर गुड, पिक्चर ग्रिपिंग है, ग्रिपिंग गुड, यूपी फाइल्स शुड डू वेल। थैंक यू। नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर रमेश गोयल, मैं इस लाइन में करीब 50 साल से एज एन एक्टर काम कर रहा हूं। मैंने जो आज फिल्म देखी है उसका जवाब नहीं, बहुत अच्छी फिल्म है। यूपी की जो पिक्चर है पूरी उतार दी गई है, चीफ मिनिस्टर का रोल हूबहू वैसा ही लग रहा है जैसे योगी साहब कर रहे हैं, बहुत ओरिजिनलिटी है, रियलिटी है, सिंप्लिसिटी है, और हर चीज़ वो बताई जा रही है जो यूपी में हुआ था और अब हो रहा है। बहुत अच्छा लगा, एक्टर्स की परफॉर्मेंस ज़बरदस्त, डायरेक्शन ज़बरदस्त और प्रोडक्शन वैल्यू ज़बरदस्त, हर आदमी ने अपना अच्छा काम किया, हर अच्छे अजय, जितने स्टार सब स्टार फिल्म को लिए, फिल्म सुपरहिट है, ऐसी फिल्म बननी चाहिए। मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, हर डायरेक्टर ये कोशिश करे कि इस तरह की फिल्म बनाए वो। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय, जय हिंद। जैसे कि आपने देखा है पिक्चर को, आपने उन्होंने भी देखा होगा, इस पिक्चर का मैसेज यही है कि जो उत्तर प्रदेश का जो पहले के जो हालात थे और जो आने वाले वक्त के जो हालात इस तरह के जो बदले गए, उसको ही हमने दर्शाने की कोशिश करी है। जो हमारे नीरज साहब जो डायरेक्टर है, इनका सिर्फ उद्देश्य ये था कि जो आज के यूपी के जो हालात है उसको आज आप देखो कि किस तरह का वहाँ का कानून व्यवस्था बदला है, और जिस तरह का आज वहाँ पे कानून व्यवस्था है, आज हम खुद पर्सनली वहाँ पे जब घूम रहे थे, हर एक जबान पे, हर एक लोगों की जबान पे, हमारे पिक्चर का नहीं, हमारे जो योगी जी का जो मेन माहौल था वो बना हुआ था, एकदम उन्होंने एकदम अच्छा काम किया है। और बेशक उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा अब राज्य बन गया है, जिस तरह का कानून व्यवस्था उधर पर बनी हुई थी। मैं कुलदीप जी जो कि इसके प्रोड्यूसर हैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, तो इस तरह की जो पिक्चर लाना इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और आज हमने महाराज जी को दिखाया है, बहुत बेहतर है, उनका काम भी बहुत बेहतर है, वहाँ का काम भी बहुत बेहतर है।